हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ म्यूचुअल फंड क्या होता है और आपको क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है जो कि आपका मनी आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करता है। सबसे बड़ा रीजन आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जो भी आप पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो एक फाइनेंस प्रोफेशनल जिसने प्रॉपरली उसी फील्ड में एजुकेशन ली है उसके थ्रू किसी स्टॉक किसी गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट होता है। जितने भी इन्वेस्ट जिन पे वो रिक्वायर्ड स्किल नहीं है जिन पे उतना टाइम नहीं है कि वो खुद अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर पाए इक्विटीज का स्टॉक्स का, उन सब के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। बाय इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड आपको एक सर्विस मिलती है प्रोफेशनल की, जो कि अगर आप खुद से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस लेना चाहें उसके लिए कम से कम आपको 25 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको कोई प्रोफेशनल अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप सिर्फ 500 रुपए में भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा रीजन है टैक्स बेनिफिट। 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट अगर आप ELSS टाइप के म्यूचुअल फंड में करते हैं तो वो क्वालिफाई होता है सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स के अंडर में टैक्स डिडक्शन के लिए। और जितने भी अदर ऑप्शन है 80C सेक्शन में जैसे कि NSE, PPF, फिक्स्ड डिपॉजिट, इनका मिनिमम लॉक इन पीरियड है 5 ईयर का और ELSS म्यूचुअल फंड का लॉक इन पीरियड है सिर्फ 3 ईयर्स का। तो अगर आपको टैक्स रिबेट भी चाहिए और आपको अपना पैसा बहुत जल्दी वापस चाहिए तो आपको ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। थर्ड रीजन है ये आपको रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने में हेल्प करता है। जब भी हम रिटायर होंगे तब हमारे 10-20 ईयर ऐसे होंगे जिस टाइम पे हमारी कोई सैलरी नहीं होगी, उस टाइम पे हमारे सिर्फ एक्सपेंस होंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका सिग्निफिकेंट अमाउंट रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो। उसमें भी आप बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल लार्ज कैप स्मॉल कैप मिड कैप में एक बैलेंस कर सकते हैं और साथ ही साथ लिक्विड फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड आपको बेनिफिट देते हैं डाइवर्सिफिकेशन का, मतलब कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप मिड कैप देन बेस्ड ऑन द सेक्टर्स लिक्विड फंड डेप्थ फंड। सो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं और आप एक फंड में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लेते हैं ऑन डिफरेंट सिक्योरिटी क्लास। सबसे बेस्ट रीजन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का है लिक्विडिटी। इसका मतलब है कि इसमें कोई एज सच लॉक इन पीरियड नहीं होता कि आपको 5 साल तक रुकना ही पड़ेगा अपना पैसा कैश कराने के लिए। आप जब चाहेंगे उसके 1-2 दिन के अंदर आपका अमाउंट आपके बैंक में आ जाएगा। ये FD की तरह नहीं है कि आपने अपनी FD बीच में तोड़ी तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसमें बेस्ट यही है कि आप कभी भी चाहे पैसा कैश कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंस। म्यूचुअल फंड आपको एक ऑप्शन देते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें कि आप एक सेटिंग कर सकते हैं, उसके बाद हर मंथ आपका अमाउंट अपने आप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा और आप इसे कभी भी स्टॉप कर सकते हैं। ये कोई RD की तरह फिक्स नहीं है कि आपको हर मंथ पैसा देना ही देना है और आपको पेनल्टी लग जाए। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कभी भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं, आप कभी भी SIP स्टॉप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की एक खुद की ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है और ये बहुत ही ज़्यादा कम होती है, अराउंड 1.5% to 2%। और क्योंकि बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं इसलिए इसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू ULIPs एंड अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। ट्रांसपेरेंसी, इसका मतलब है कि जो भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो म्यूचुअल फंड आपको फैक्ट शीट ऑफर डॉक्यूमेंट एनुअल रिपोर्ट्स और कोई भी जैसे चेंज आता है एक्सपेंस रेशियो वो आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते हैं। इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा वेल रेगुलेटेड है, SEBI ध्यान रखती है कि हम इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे और म्यूचुअल फंड्स को टाइम टू टाइम इन्वेस्टर को इन्फॉर्मेशन देनी रहती है कि वो कौन सी इन्वेस्टमेंट क्लास में कितना परसेंटेज इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस किस सेक्टर में कितना परसेंटेज इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम SEBI की वजह से हर इन्वेस्टर को पता चलती रहती है। आप देख सकते हैं कि अगर आप 10 लाख रुपीस मार्च 2003 में इन्वेस्ट करते अगले 11 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में तो वो आपका 20 लाख के आसपास हो जाता। सेम अमाउंट आपका अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते तो वो 1 करोड़ प्लस हो जाता और सेम अमाउंट अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते तो वो आपका 50 लाख प्लस हो जाता। तो आप देख सकते हैं कि
एक लॉन्ग ड्यूरेशन में इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आपका म्यूचुअल फंड में सबसे हाईएस्ट रिटर्न आता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।